आप लोगों के साथ हैं तो स्पिरिचुअलिटी और नैतिकता देखेंगे तो जरूर, लेकिन उसके बाद लाइब्रेरी जाने और अध्ययन करने की सुविधा नहीं है, वह क्षेत्र मेरा शून्य है। आपसे अगर आचार व्यवहार करेंगे तो उसमें कुछ तो नैतिकता रहेगी, तो कुछ प्रयोग भी होगा, कुछ परिणाम भी मिलेंगे, लेकिन जो बातें मैं कहूँगा उसमें एक बहुत कमी रह जाएगी जो जानकार हैं उनके लिए, और वो कमी ये होगी कि उसको जो आप शोध करते लाइब्रेरी में वह ज्ञान उसका सपोर्ट नहीं है। तो मैं अपनी दृष्टि आपके सामने रखना चाहूँगा, जो ठीक लगे उस पर विचार करिएगा। जहाँ तक अध्यात्म की बात है, अध्यात्म मेरी दृष्टि में एक व्यक्तिगत विधा है, एक व्यक्तिगत विषय है, और इसका क्षेत्र होता है आपके व्यक्तित्व में स्वयं निखार और परिष्कार करना। नैतिकता ये सामाजिक व्यवहार, एक दूसरे से व्यवहार के संदर्भ में आती है, और जाहिर है अगर इसको से देखें कि कहीं पर सफाई करना है, अगर डस्टर ठीक है तो सफाई करेगा और गंदा है तो अगर अध्यात्म के द्वारा व्यक्ति ने अपना सुधार परिष्कार किया हुआ है तो जाहिर है कि उसका व्यवहार भी दूसरों से परिष्कृत होगा। इस दृष्टि से अपने को, अपनों को, सबको हम चार वर्गों में बांट सकते हैं, लोगों को जिनसे हम डील करते हैं, और बड़ा अच्छा होता अगर ये चार वर्ग ऐसे होते जो अलग किए भी जा सकते, और जब एक से दूसरे में बदलते तो पूर्ण रूप से बदलते। और वर्ग क्या हैं? सबसे निचली श्रेणी में एक वर्ग कल्पना करिए जहां पर व्यक्ति का या समूह का उद्देश्य है केवल केवल प्लेजर, सुख की प्राप्ति, और उसका ध्येय क्या है, ध्यान कहां है, ध्येय है सुख और ध्यान है व्यक्ति स्वयं। जहां पर व्यक्ति अपने में केंद्रित हो अपने सुख के लिए, एक ऐसा वर्ग है। दूसरा वर्ग ऐसा होता है जिसका ध्येय तो धन होता है लेकिन उसका ध्यान कहां होता है, अपने पर और समाज पर, लगभग बराबर। अपने लिए कुछ अधिक करेगा, समाज के लिए भी करेगा लेकिन कुछ कम करेगा। तीसरा एक वर्ग ऐसा आता है जो शक्ति और सत्ता, जिसका ध्येय होता है, होना ये चाहिए कि उसका ध्यान, जो व्यक्ति सत्ता के केंद्र में है, शक्ति के केंद्र में है, उसका ध्यान अपने पर कम, समाज पर ज्यादा हो, ऐसी कल्पना की गई है। और चौथा वर्ग होता है, उसका ध्येय होता है ज्ञान, और ध्यान उसका रहता है केवल समाज पर, अपने लिए नहीं। ऐसी कल्पना की गई थी कि शरीर का उपयोग आदमी सुख के लिए करेगा, धन का उपयोग अपने और समाज के हित के लिए करेगा, शक्ति का उपयोग अपनी रक्षा थोड़ी कम, अपने को खतरे में डालकर समाज की रक्षा करेगा, और ज्ञान के उपयोग से समाज का भला करेगा। और ये कहा गया था कि अगर इनका आपस में गड्डम गड्ड हुआ तो समाज पतन में जाएगा, अगर ज्ञान से आप शक्ति अर्जित करें और शक्ति से धन और धन का उपयोग सुख के लिए करें तो ये पतन की सीढ़ी हुई। और शरीर के सुख के लिए आप संपदा का उपयोग करते हुए शक्ति अर्जित करें और शक्ति से समाज की रक्षा करते हुए ज्ञान की ओर बढ़े तो अपवर्ड। अध्यात्म कल्पना करता है कि हम इन चारों दशाओं में विभिन्न समय पर रहते हैं, ये हमारे मन की दशाएं हैं, ये हमारे समाज का वर्गीकरण भी हो सकती है, लेकिन वास्तविक रूप में जैसा मैं समझता हूं और मैं ऐसा ही मानना चाहूंगा, ये हमारे मन की अपनी दशाएं हैं। आप अपने को एनालाइज करिए, आप इन चारों दशाओं से समय समय पर गुजरते हैं, कभी आप अपने ही शरीर का उपयोग अपने सुख के लिए